हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के एंटी ब्लॉग मैंटोल स्टोरीज़ पे। हाँ जी, इस वक्त मैं खड़ी हूं अपने गार्डन में और आपको शायद बहुत ही अच्छी सी बर्ड्स की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, ऐसे जब भी ना मैं थोड़ा बाहर गई थी फार्मेसी तक आई तो फिर ये ना आवाज़ मतलब शाम को तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने कहा चलिए आप व्लॉग शुरू करते हैं, गार्डन में चलते हैं, आपको भी इन पंछियों की मीठी मीठी आवाज़ सुनाते हैं और दिखाते हैं आपको अपना किचन गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये ना सारी जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी करेले की बेलें हैं। ऐसा अभी टाइम है, करेले तो लगने शुरू नहीं हुए हैं और ये सारे ना मेरे फेवरेट, नहीं कहते मतलब मेरी फेवरेट सब्ज़ी, ये टिंडे लगे हुए हैं कहीं पे ना, एक छोटा सा लगा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मतलब दिखा आपने, ये बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ है, काफ़ी सारे तो सुबह फादर साहब ने तोड़ लिए और ऐसे ना छोटे छोटे काफ़ी लगे हुए हैं। आप ना वो दूर तक यानी के आगे तक लगे हुए हैं। ये हैं सारे टिंडे, ये हैं बैंगन के पौधे। ऐसे जूम करके दिखाती हूँ आपको, फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं तो आई थिंक के ना इन अदर वीक्स टाइम ये भी काफ़ी हो जाएंगे। ये लगी और ये है भिंडियों के पौधे, काफ़ी सारी लगी हुई हैं, काफ़ी सारी फादर साहब ने आज तोड़ ली हैं। एक्चुअली ना मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाऊँगी, आप देख रहे हैं ना पानी दिया हुआ है। ये देखिए भिंडियाँ लगी हुई हैं इस बार ना, बहुत छोटे छोटे पौधों को ही ना भिंडियाँ लगने शुरू हो गई। नहीं यहाँ पर कुछ ये देखिए लगी हुई हैं काफ़ी। कोशिश करूँगी कि एक बार शाम को आऊँ, तब तक ये ना पानी भी सूख जाएगा क्योंकि मेरी नज़र में हैं काफ़ी भिंडियाँ, तो ये तोड़ूंगी तो फिर इनकी सब्ज़ी बन जाएगी। ये है नींबू का पौधा, ये शायद मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था, अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ना, ये देखिए इस तरीके से गुच्छे के गुच्छे नींबू लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं और अभी तो मतलब बिगनिंग है। इसको बहुत सारे नींबू लगते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे नहीं कहते, बहुत सारे। ये काफ़ी पुराना पेड़ है। देखिए जी ये लगे हुए हैं घिये, 1 2 काफ़ी होंगे, नज़र 2 आ रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। ये देखिए यानी कि मेहनत को फल लगना शुरू हो गया है। और ना ये इस तरीके से ना हमने ऊपर तक, मैंने बताया था ना आपको ऊपर तक बांधा हुआ है,
मैं आ चुकी हूँ अंदर। हाँ जी, बाबी कहोगे ना कि ये वाला कॉर्नर ज़्यादा नज़र आता है, एक्चुअली ना यहाँ पे वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे गर्मी कम लगती है, और साथ में वही बार बार एक ही बात मेरी फिर रिपीट हो जाती है क्योंकि ये ना साथ में किचन है, वहाँ पे भी मतलब काम करना आसान हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन अब मतलब कि ये कॉर्नर मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि अंदर वह बेटे की ऑनलाइन क्लास चल रही है, बेटी एज इट इज़ उसका सोने का टाइम है, वो सो रही है, तो मेरे वाले कमरे में ना गर्मी ज़्यादा होती है दिन के टाइम में, और 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक तो उस कमरे में विदाउट एसी बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ अवर हेल्थ रीजन्स है ना, मैं एटलीस्ट नहीं तो एसी तो मेरे घर पे अप्रैल में शुरू हो जाता है, राउंड द क्लॉक चलता है, लेकिन इस बार थोड़ा कोविड वाला सीन होने की वजह से अभी हम लोग ज़्यादा एसी यूज़ करना अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर उस तरीके से वैसे सच भी इतनी गर्मी यहाँ पे नहीं लगती है। और ये हैं थोड़े से टिंडे, हाँ जी ये हमारे किचन गार्डन्स के हैं, कुछ पापा ने आज मॉर्निंग में तोड़े हैं, कुछ कल तोड़े थे, और इतने से मेरा लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब मैंने कहा चलो सब्जी भी काट लेते हैं, आपसे बात भी कर लेते हैं, ऐसे आज मेरी बात आपसे 2 दिन बाद हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं कुछ ऐसा कर ही नहीं रही थी जो आपके साथ शेयर करूं, कुछ था ही नहीं ऐसा, और आई थिंक लास्ट व्लॉग में भी थोड़ा सा जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो बस थोड़ा सा मेरा वही काम था जो मैं बैठे बैठे कर सकती। रीज़न था कि मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा, या पैर नहीं पूरी लेग में ही बहुत ज़्यादा पेन थी, तो फिर मैंने वही काम निपटाए जो बैठे बैठे हो सकते थे। एज सच कल से मेरी लेग थोड़ी बेटर है, और मैंने एज सच अपना नी सपोर्ट है जो वो ऑर्डर किया है एंड होपफुली ऑनलाइन मंगवाया है, कल डिलीवर हो जाएगा। एक बार वो डिलीवर हो जाएगा तो काफ़ी सारी मतलब मेरी ऐसी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जो मैं कर पाऊँगी, क्योंकि ना मेरे को ये दिक्कत है तो काफ़ी सालों से, लेकिन बीच में ना ये ठीक हो गई थी तो मैं थोड़ी सी ना इसको लेके कहते हैं ना ईजी हो गई थी, मैं ध्यान नहीं रख रही थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं पूरे 10 दिन इसमें चले गए क्योंकि जो काम मैंने करने थे वो फिर पेंडिंग हो गए। तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि एक बार मेरा वो नी सपोर्ट आ जाएगा तो फिर आई एम गोइंग टू वेयर इट, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी है ना वो बहुत मतलब बड़ा है और गर्मियों में उसको कैरी करना एटलीस्ट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने अब दूसरा मंगवाया है। होप्स हो के पैसे भी लगा रही हूँ तो वो थोड़ा बेटर होगा, मतलब कंफर्टेबल होगा, और गर्मी के हिसाब से काफ़ी सोच के ऑर्डर किया है, बाकी देखते हैं जब डिलीवर होता है और 2-4 दिन यूज़ करके कि वो कैसे रहता है। जो सब्ज़ी है ये मैं बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ, एक्चुअली मैं वैसे भी जो मेरे साथ व्यूवर सब्सक्राइबर्स पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि आई हैव सर्टन हेल्थ इश्यूज़, तो मैं घी तेल वाला, ज़्यादा घी तेल वाला खाना मैं नहीं खाती हूँ, और यकीन मानिए अगर इसको कम मसालों में कम तेल में भी बनाते हैं तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और ये एज सच मैंने टिंडे छील लिए हैं और इसको मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल 1 चम्मच सरसों के तेल में, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं कुछ नहीं, बहुत ही यम्मी बनती है ये, और लेस देन 5-7 मिनट्स बन जाएगी। ये नहीं कि इसकी क्वांटिटी कम है, जिस तरीके से मैं अभी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मैं अदरवाइज़ भी अगर बनाऊँ तो बच्चे भी खा लेते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो उस तरीके से सब्ज़ी सारे ही पसंद करते हैं, लेकिन अब क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है और बच्चों के मतलब बाकी फैमिली के लिए ऑलरेडी बीन्स आलू की सब्ज़ी और दाल मखनी वाली दाल होती है ना काले माँ की दाल, वो बन चुकी है, तो फिर मैंने कहा कि चलो वो दोनों चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये टाइफाइड की वजह से मतलब काफ़ी लंबा चला मेरा वो भी, तो मुझे थोड़ा लीवर इन्फेक्शन हो गया था, ऐसे अभी भी उसकी मेडिसिन चल रही है, तो मैंने कहा कि रिस्क नहीं लूंगी, नहीं तो कई बार थकी होती हूँ या कुछ ऑप्शन नहीं होता तो आई ईट है ना, भूख तो लगती है, खाना तो खाना है, लेकिन अब मेरे किचन गार्डन में इतनी सब्ज़ियाँ हो गई हैं तो मेरा तो काम चलने वाला है, तो सब्जी मैंने काट ली है तो चलते हैं किचन में बनाते हैं। इस फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं टिंडे की सब्जी, ये है टिंडे, हाँ जी ज्यादा नहीं तकरीबन 200 ग्राम होंगे, और मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, स्लाइसेस में काटा है मैंने उसको, और ये हैं 3 हरी मिर्चें, 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और ये ना थोड़ा सा छिला हुआ लहसुन है ये डालेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो इसमें डलेगा वो है नमक,
और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। बस हम इतने लिमिटेड से मसालों से ही हमें सब्जी को प्रिपेयर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसे कुक करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने तकरीबन 2 छोटे चम्मच ऑयल डाल दिया है और तेल हमारा तकरीबन तकरीबन गर्म हो चुका है। इसमें मैं ये हरी मिर्चें हैं जो ये काट के डाल दूंगी। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, और मैं इसमें डाल दूंगी साथ में ही टिंडे। हाँ जी, गैस की फ्लेम बिल्कुल हम लोग रखेंगे लो। अब मैं इसमें लगा दूंगी लहसुन, और मैंने ना इसमें लहसुन अदरक और थोड़ा सा जीरा लिया है, इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ दरदरा सा कूट के इसमें ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स अब मैंने ना इसको थोड़ा दरदरा सा मिक्सचर बना लिया है, मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। हाँ जी, मैं रॉक सॉल्ट यूज करती हूँ, मैं रॉक सॉल्ट ही डाल रही हूँ। सॉल्ट डाल के मिक्स करके अच्छी तरीके से चला के हम लोग इसको एटलीस्ट 3-4 मिनट्स तक लेड लगा के कुक कर लेंगे। उससे इसका क्या है, मॉइस्चर भी रिलीज हो जाएगा और ये जो हमारी सब्जी है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश टिंडे हैं तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मिक्स कर दिया, अब हम लगा देते हैं इसके लिड और हम इसको 2-3 मिनट्स तक कुक होने देते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है क्योंकि हमने इसमें ऑयल बहुत कम डाला है, मसाले बहुत कम हैं, तो ये अपने मॉइस्चर में ही कुक होगी। तो गैस की जो फ्लेम है प्लीज आप हाई ना करें। तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, सब्जी हमारी तकरीबन कुक हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वो सिलेक्टेड से एक दो मसाले जो मैं डालना चाहती हूँ। ये है थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और हम इसमें थोड़ी सी स्टेज पे आके मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिल्कुल इतनी सी कसूरी मेथी। हाँ जी, बस इसको मैं मिक्स करके अच्छी तरीके से हाँ जी हमारे टिंडे ना तकरीबन उसको खो चुके हैं। हाँ जी, चेक कर रही हूँ मैं साथ ही साथ टिंडे को खो चुके हैं। अब हम इसका लिड लगा के 2 मिनट्स तक इसको कुक करेंगे और उसके बाद लाइक 2 मिनट के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। फिर हम इसको चेक करेंगे 5-10 मिनट्स के बाद, ताकि जो भी इसमें हीट है उससे जितनी भी अगर कोई कसर रहती है हमारे सब्जी में तो वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। क्योंकि मैं एटलीस्ट जो अपने लिए खाना बनाती हूँ उसमें आई डोंट ओवर कुक द वेजिटेबल्स, नहीं मैं ओवर कुक नहीं करती हूँ मेरी कोई भी। मैं ज्यादा करके घिया तोरी टिंडे हो गए, अब सीजन में है तो फिर एक छोटे कद्दू आते हैं, फिर पम्पकिन हो गया है ना जिसको मीठा कद्दू कहते हैं, तो मैं जो अगर मैं मोर ओवर मतलब मैं खाती ही वो सब्जियां हूँ तो मैं उनको ओवर कुक नहीं करती हूँ। मेरी कुकिंग में इतना ही टाइम लगता है जो मैं अपने लिए सब्जी बनाती हूँ, बामुश्किल 5 से 7 मिनट में सब्जी बन के तैयार हो जाती है। आपसे बातें करते करते 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट में और वेट करूंगी, उसके बाद मैं इसकी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, फिर मैं इसको 5-7 मिनट्स के लिए आइडियल छोड़ दूंगी और मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि सब्जी बनके कैसी तैयार हुई है। फ्रेंड्स गैस को बंद किया हुआ है, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार मैं आपको सब्जी चेक करवा देती हूँ। हाँ जी, ये देखिए सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, टिंडे बहुत अच्छी तरीके से ओवर कुक नहीं कहूंगी, और ऐसा भी नहीं है कि ये कच्चे हैं, तो ये बन चुके हैं। मैं आपको एक बार इसका क्लोज अप दिखा देती हूँ सब्जी का। हाँ जी, जो सब्जी मैं खाती हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ऐसे ही कुक करती हूँ, और यकीन मानिए आप इसको जरूर ट्राई कीजिए।
आम बहुत यम्मी लगती है और हेल्दी तो है ही, आपने देख लिया। तो अब मेरा है लंच का टाइम, मैं बेटे को भी लंच देती हूँ क्योंकि आई थिंक उसकी ऑनलाइन क्लास भी खत्म होने वाली है, तो फिर एक बार लंच के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन का जो टूर है वो पसंद आया होगा, और जो मैंने आपके साथ टिंडे की सब्जी की एक सिंपल सी रेसिपी शेयर की है वो भी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। हाँ जी, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि देखिए हमारे लिए फ्रेश खाना, हेल्दी खाना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली लाइक जो मदर्स होती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, मतलब नॉट हाउस वाइफ्स, वर्किंग वुमेन कोई भी, उनका ये होता है कि मतलब वो अपनी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को देख के ना अपने लिए अलग से किचन में कुछ भी बनाने से काफ़ी कतराती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत लगेगा, या फिर होता है कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा खा लेंगे, जो बना है उसी में से खा लेंगे। तो देखिए, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप हैं तो आप ही के साथ आपकी फैमिलीज हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं शायद पिछले अपने एक दो ब्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ कि मैंने वो गलतियाँ की हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, लेकिन प्लीज़ रिस्पेक्ट योर बॉडी, उसे वही दीजिए जो उसे चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। और अगर आप बींग अ मदर, बींग अ वाइफ, अगर आप हेल्दी हैं तो आप तभी अपनी फैमिली को संभाल सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 3-4 महीनों में, व्हेन आई वाज नॉट गोइंग थ्रू वेरी गुड फेस ऑफ माय लाइफ, है ना, मैंने देखा है मेरा घर कितना अपसेट हुआ है, बच्चे अपसेट हुए हैं। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए छोटी छोटी गलतियां करना रिलेटेड टू योर हेल्थ, और कोशिश करें कि आप जो खाएं वो बहुत हेल्दी हो, फ्रेश हो, तो ही देखिए कि दवाइयों का कई बार, मतलब मेरी अगर आप पीछे की रेसिपीज़ जो मैंने विंटर्स में आपके साथ शेयर की है, तो कई मेरे फ्रेंड्स वगैरह के कमेंट्स आते थे कि ये बहुत रिच खाना है, ये बहुत हैवी है, या किसी के बजट में नहीं आता। यकीन मानिए, एक छोटी सी हेल्थ इशू के साथ भी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो एक महीने का खाना एक हफ्ते की दवाई के बराबर हो जाता है। हाँ जी, डॉक्टर्स के पास जाना अवॉइड करना है तो हेल्दी खाना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, अपने घर पे प्लांट्स लगाएंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएंगे, अपने बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत जल्द आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।